हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में पार्सल भाई मिश्रा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए DSSB TGT फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2018 में हुआ था, 16 सितंबर 2018 को हुआ था। तो हम आगे बढ़ेंगे और मैं इसमें बता दूं आपको कि ये 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर था और जिसमें कि 200 मार्क्स थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैन। आंसर इज ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, नेम द सब्सटेंस इन द लिस्ट डेट कैन यूज टू ट्रीट वस्प स्टिंग्स। आंसर इज विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102, स्टेट द की एक्शन इन्वॉल्व इन द स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग। आंसर इज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, डैश इज योर बॉडी एबिलिटी टू मीट डेली डिमांड्स। आंसर इज फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब ए टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। आंसर इज इन्फ्यूज्ड। 107, एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथ योर। आंसर इज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब ए टाइप ऑफ उंड। आंसर इज इन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, एरोबिक एक्सरसाइज प्रोवाइड्स मसल्स विथ मोर। आंसर इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, साइकोलॉजी इज नोन एज। आंसर इज साउल ऑफ साइंस, साइंस ऑफ साउल। 113, द थेरेपी ऑफ साइको एनालिसिस वॉज डेवलप्ड। आंसर इज सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द। आंसर है आपका सी ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। मतलब रीइंफोर्समेंट थ्योरी मोटिवेशन किसने दिया था। आंसर है आपका सी यानी स्किनर। नेक्स्ट 111, अकॉर्डिंग टू डैश साइकोलॉजी वाज अंडरस्टैंड बाय द साइंस ऑफ माइंड। आंसर इज 18th century। नेक्स्ट क्वेश्चंस 115, लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग वाज स्टार्टेड बाय। आंसर इज थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन 112, विच आर द फॉलोइंग इज ए लॉ ऑफ लर्निंग। आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। टू फैक्टर थ्योरी मतलब किसने मोटिवेशन का किसने दिया था। आंसर है हर्जबर्ग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 117, एक्सरसाइज इज ए मस्ट फॉर गुड। आंसर इज हेल्थ। अगला है आपका 121, टोटल वेलनेस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय द बैलेंस ऑफ। आंसर इज ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, एक्सरसाइज हैज बीन प्रूवन टू। आंसर इज ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। आंसर इज बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, वेलनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आंसर इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 120,
द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस इंक्लूड्स आंसर इज इंटेलेक्चुअल हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन 123. ए की टू अचीविंग सक्सेस इन एनी इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस इज आंसर इज गोल सेटिंग. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में 124. विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आंसर इज स्टेपीज. 125. वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्डिलाइट ज्वाइंट आंसर इज रिस्ट ज्वाइंट. 126. ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी इज एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक. इसका आंसर है एंडेमिक. 127. इन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यूजली अटैक आंसर है आपका बी यानी लंग्स. 127 हो गया आपका. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 128. वैनकोमाइसिन इज आंसर इज एंटीबायोटिक. 129. एनुअल वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस ऑफ द कॉलरा इज 3 to 5 million. क्वेश्चन नंबर 130. पोलियो इज नोन एज ह्यूमन हंट आफ्टर इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स. आंसर आपका डी यानी स्मॉल पॉक्स. 131. टोटल पेंडेमिक्स हैव बीन कॉज्ड बाय कॉलरा वायरस आंसर इज डी यानी 8. नेक्स्ट क्वेश्चन 132. नेम द मेजर अवार्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स आंसर इज ए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. 136. हु इज द ऑथर ऑफ बुक लॉ एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया डेवलपमेंट इशूज एंड चैलेंजेस आंसर इज सी मुकल मुगदल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133. हाउ मेनी मेडल्स डिड पीटी उषा विन एट 10th एशियन गेम्स आंसर इज बी यानी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 137. हु इज द फर्स्ट इंडियन टू टेक ए हैट्रिक इन ए इंटरनेशनल टेस्ट मैच आंसर है हरभजन सिंह. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 134. पी वी सिंधु वाज रिसेंटली इन न्यूज एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आंसर इज बी बैडमिंटन. नेक्स्ट क्वेश्चन 138. इन विच ईयर एशियन गेम्स स्टार्टेड आंसर इज बी 1951. नेक्स्ट क्वेश्चन 135. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट आंसर इज ए बछेंद्री पाल. 139. हु इज द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आंसर इज ए राजवर्धन सिंह राठौर. नेक्स्ट 140. बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आंसर इज ट्राई एक्सियल जॉइंट्स. 144. Which artery carries the supply of blood towards the heart? Answer is C. Pulmonary arteries. Next, 141. Increase in muscles mass due to heavy weight training is called. Answer is B. Muscular hypertrophy. 145. Scoliosis is postural deformities related with. Answer is C. Vertebral column. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज आंसर इज बी सोमैटिक सेंसोरी. 146. द बैक थाई मसल्स आर आल्सो नोन एज आंसर इज ए हैमस्ट्रिंग्स. 143. हाउ मेनी मेजर्स सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी
आंसर इज सी यानी 6। 147 इन द टेक्निकल टर्म मसल्स पुल इज नोन एज, आंसर इज बी स्ट्रेन। नेक्स्ट 148 फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO वाज कैनेडियन फिजिशियन ब्रोक चिस होलोम बी सर फॉर्म, आंसर इज डी 1948 to 1958। 152 यूजिंग परगेटिव्स ऑन ए रेगुलर बेसिस इज हार्मफुल टू हेल्थ, विच डिफिशियंसी डज इट कैस, आंसर इज पोटेशियम। 149 हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, आंसर इज बी डॉक्टर मार्गरेट चैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नाइट ब्लाइंडनेस ड्राइंग ऑफ द कंजुकेटिव ड्राई एंड स्काइली स्किन लॉस ऑफ हेयर आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ, आंसर इज बी विटामिन ए डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 150 व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज इन मैन अराइजिंग आउट ऑफ विटामिन B1 डिफिशियंसी, आंसर इज सी बेरी बेरी। 154 ए फर्स्ट हाउ मेनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स इंट्रोड्यूस, आंसर इज ए 400। व्हाट डज विटामिन के डिफिशियंसी लीड टू, आंसर इज प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट 155 हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन, आंसर इज बी फ्रेडरिच जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूड, आंसर इज डी ट्यूबरक्लोसिस यानी TB। 160 द डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट द स्किन, आंसर इज बी राइबोफ्लेसिन नियासिन पाइरिडॉक्सिन एंड पेंटाथेनिक एसिड। नेक्स्ट 157 वायरोला वायरस हैज बीन नोन टू कॉज, आंसर इज सी स्मॉल पॉक्स। 161 व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन B6 डिफिशियंसी, आंसर इज डी सर्टेन टाइप ऑफ एंजेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 158 इन ह्यूमन कॉलरा वायरस मेनली अफेक्ट, आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। 162 इन डेस मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन पीपुल लर्न बाय एक्सचेंजिंग देयर व्यू एंड एक्सपीरियंस, आंसर इज डी ग्रुप डिस्कशन। 159 वैक्सीनेशन इज ए मेजर कंट्रोल मेजर ऑफ, आंसर इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 163 When was WHO founded? Answer is A. 7th April 1948. Now, next question 164. The duration of one microcycle of sports training is? Answer is A. 12 month. Next question 167. The learning must be specific not only to one's sports of the choice but also to one's individual, answer is abilities. 165 in which of the following sports event is interval training found least effective, answer is gymnastics. 168 in connection with athletics training the biological principle of use disuse simple implies that you, answer is A. use it or lose it. 166 which are the following techniques stresses on programmed phases of work any recovery
प्रोग्राम फेजेस ऑफ वर्क एनी रिकवरी। आंसर इज ए इंटरवल ट्रेनिंग। 169 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वार्म अप। आंसर इज सी फॉर्मल एक्टिविटीज, जो वार्म अप का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका 170 फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो नोन एज। आंसर इज ए जिम। 174 द फिटनेस ग्राम पैसेस टेस्ट असेस व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस। आंसर इज सी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। 171 फिजिकल एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू लीड ए। आंसर इज सी हेल्दी लाइफ स्टाइल। 175 फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली इज ए। आंसर इज सी बायोलॉजिकल नेसेसिटी। 172 स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ। आंसर इज सी टोटल पर्सनालिटी। 176 अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज। आंसर इज जिमनास्टिक्स। 173 हु सेड ए साउंड माइंड ए साउंड बॉडी। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, ये कथन किसने कहा था। एक्चुअली ये कथन यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, उनका कथन है। बट क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एचटेट 2019 में भी आ चुका है और डीएसएससी में आ चुका है और श्याम नारायण सिंह वाली बुक में भी जो आंसर दिया है वो प्लूटो है और डीएसएसबी ने भी जो आयोग का जो आंसर की था वो प्लूटो ही राइट आंसर है, यानी डी इसी को माना गया है राइट आंसर। बट कहीं कहीं आपको जो कहीं बुक है आपको एरिस्टोटल भी मिलेगा, यानी हिंदी में सो अरस्तु भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं वो भी मिलेगा। लेकिन आपको आंसर अगर नेक्स्ट अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स होगा 2020 वाला, इसमें आप अगर क्वेश्चन ये आ जाता है साउंड माइंड ए साउंड बॉडी, तो आपको प्लूटो लगा के आना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डीएसएसबी ये आंसर सही है प्लूटो। नेक्स्ट ए फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउ ए डे इज एसेंशियली। आंसर इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 बाई विच ऑफ फॉलोइंग मीन्स डू वी एक्वायर्ड वैल्यू बिलीव्स एंड बिहेवियर। आंसर इज ए सोशलाइजेशन। 182 जनरलाइजेशन यूज टू डिफाइन एंड जज ऑल इंडिविजुअल्स इन पार्टिकुलर रेशियल कैटेगरी। आंसर इज बी स्टेरियोटाइप्स। 179 द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन इज। आंसर इज बी नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। 183 ट्रेनिंग इज ए यूनिवर्सल टीचिंग लर्निंग फेनोमेना एंड इट्स एम फॉर एन एथलीट इज। आंसर इज डी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट। 180 ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। आंसर इज ए पीर ग्रुप बी, यानी पीर ग्रुप। नेक्स्ट 184 विच आर द फॉलोइंग इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। आंसर इज बी टू मेक एथलीट्स ड्रीम्स अबाउट विनिंग ओनली। 181 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। आंसर इज बी एडोलेसेंस। व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर टू लो और नाइदर एक्सेस ऑफ एन एथलीट्स कैपेसिटी इज कॉल्ड। आंसर इज सी ऑप्टिमल लोड। एक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, NBS 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट से आपका आगे बढ़ेंगे 186 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट द ट्रू
नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, आंसर इज ए फिजिकल ट्रेनिंग। 190, व्हाट इज द कॉज ऑफ एंजिना, आंसर इज सी इनसफिशियंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज, आंसर इज सी फैसिलिटीज। 188, हाउ शुड यू ओपन द एयरवेज ऑफ द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटीज, आंसर इज हेड टिल एंड चिन लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, व्हाट शुड ए कैजुअलिटी विथ ए सीवियर एलर्जी कैरी एट ऑल टाइम, आंसर इज सी एडवेंटनालाइन इपीपेन। नेक्स्ट है आपका 189, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी एंड ब्रीथ इज ब्रीथिंग नॉर्मली, आंसर इज नो मोर देन 10 सेकेंड, आंसर इज ए नो मोर देन 10 सेकेंड। 192, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस, आंसर इज शॉक। नेक्स्ट है आपका 193, इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आने वाले समय में आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको मैं ला सकूँ और आपको दे सकूँ ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल सके, आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के आते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। नेक्स्ट से हम बढ़ेंगे अपने मेन मोटो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 193, फादर ऑफ साइकोलॉजी, आंसर इज डी, आंसर इज डी वुंड, यानी विलियम वुंडेड। आप कभी भी जब फादर ऑफ साइकोलॉजी आ जाएगा सिगमंड फ्रॉइड कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने आपको एनालिसिस साइकोलॉजी दिया था, मतलब साइकोलॉजी को एनालाइज किया था सिगमंड फ्रॉइड ने, बट जो हम बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी उसका आंसर है विलियम वुंड, आंसर इज डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 197, स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज, आंसर इज सी फर्ट लेग ट्रेनिंग। 194, इनकरेजमेंट बाय स्पेक्टेटर इज ए, आंसर इज सोशल इंसेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन, आंसर इज ए आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड। 195, एक्सरसाइज इज ऑफन डिस्क्राइब एज ट्रेनिंग एंड शुड इंक्लूड, आंसर इज डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट, आंसर इज डी रिकवरी। अगला है आपका क्वेश्चन 196, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इज विच मसल लेंथ, जो यानी हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हमारे मसल्स की लेंथ क्या हो रहती है, शॉर्ट हो जाती है, लेंथ लंबी हो जाती है, छोटी हो जाती है या समान रहती है। जो आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि उसका मतलब जो हमारे लेंथ मसल्स का जो लेंथ होता है वो समान रहता है, मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, यानी जो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट क्वेश्चन आपका 200, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले वाज पोस्टुलेटेड बाय, मतलब सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी किसने दिया था, इसका आंसर है आपका सी लमले। इस तरह से आपका यहाँ पे पूरे टोटल
100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको मैं और ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दे सकूँ। और आपने अगर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम इन 2020 इन DSSB। थैंक यू, डेट्स ऑल। आपका दिन शुभ हो।